नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। इंडिया न्यूज लेकर आया है आपके लिए दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन News222। सिर्फ 22 मिनट में देश और दुनिया की 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों की नेपाल यात्रा पर है। मोदी की नेपाल यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां की गई है। पीएम सुशील कोइराला प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगवानी करेंगे। नरेंद्र मोदी के स्वागत के दौरान उन्हें 19 तोपों की सलामी दी जाएगी। मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बिजली सहित कई क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत नेपाल के आर्थिक सहायता की भी घोषणा कर सकता है। मोदी नेपाल पीएम सुशील कोइराला के साथ वार्ता करेंगे। कोइराला भारतीय प्रधानमंत्री के सम्मान में आज भोज देंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान सभा को भी संबोधित करेंगे। जर्मनी के तत्कालीन चांसलर हेलमट कोल के बाद वो किसी देश के ऐसे दूसरे सरकार प्रमुख है जिन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। मोदी संविधान सभा के अध्यक्ष सुभाष नेम्बांग से भी मिलेंगे। इसके बाद मोदी नेपाल के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर यादव भी उनके सम्मान में दोपहर का भोज देंगे। इसके अलावा मोदी संविधान सभा में मुख्य विपक्षी पार्टी यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी के नेता पुष्प कमल दहल से भी मिलेंगे। भारतीय पीएम यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता ओपी कोहली और मधेसी मोर्चा समूह के नेताओं से भी मिलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मोदी नेपाल के व्यापार समुदाय की बैठक को भी संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नरेंद्र मोदी विश्वविख्यात पशुपतिनाथ मंदिर की विशेष पूजा में हिस्सा लेंगे। मोदी नेपाल स्थित मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में सोमवार को विशेष पूजा अर्चना के दौरान 2500 किलोग्राम चंदन चढ़ाएंगे। इसका मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए है। भारतीय प्रधानमंत्री के हाथों से चंदन लेने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नेपाल यात्रा होने वाली है। इससे पहले 1997 में इंदिरा कुमार गुजरात नेपाल यात्रा पर गए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की अपनी यात्रा में अपने साथ नेपाल के एक युवक जीत बहादुर को भी लेकर जा रहे हैं। मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री नेपाल की अपनी पहली यात्रा से पहले ट्वीट किया है कि वो इस बच्चे को माता पिता को उनका बेटा सौंपेंगे। मोदी को नेपाली युवक काफी पहले मिला था जिसकी देखरेख और पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मोदी ने संभाला। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी है। मोदी का कहना है कि इस लड़के के माता पिता को ढूंढना इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उसके पांव में 6 उंगलियां हैं। पीएम मोदी के धर्मपुत्र जीत बहादुर के घर पहुंची इंडिया न्यूज की टीम। जीत बहादुर के परिवार वालों ने मोदी की नेपाल यात्रा पर खुशी जताई है। जीत बहादुर की मांग ने कहा कि मोदी के आने से भारत नेपाल के रिश्ते मजबूत होंगे। मोदी के साथ जीत बहादुर के नेपाल आने से उसके परिवार वालों में जश्न का माहौल है। परिवार वालों ने कहा कि जीत को हिंदुस्तान में शरण देने वाले नरेंद्र मोदी उनके लिए भगवान के समान हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर काठमांडू छावनी में बदल गया है। एसपीजी के कमांडो काठमांडू पहुंच गए हैं जबकि नेपाली फौज चप्पे चप्पे पर तैनात है। आसमान में नेपाली एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों का बेड़ा सबसे बड़े और सबसे कड़े सुरक्षा मिशन पर लगातार उड़ान भर रहा है। मोदी के प्लेन से उतरने से लेकर वापसी की उड़ान भरने तक मोदी के इर्द गिर्द 4 लेवल का अभेद सुरक्षा घेरा मौजूद रहेगा। मोदी के सबसे करीब दिल्ली से गई एसपीजी की तगड़ी टीम होगी। करीब 20 कमांडो वाला ये ग्रुप अपने पूरे साजो सामान के साथ पहले ही काठमांडू कूच कर चुका है। सुरक्षा के दूसरे लेवल पर नेपाली आर्मी के जाबाज कमांडो को तैनात किया गया है। मोदी की सिक्योरिटी का तीसरा घेरा नेपाल की एंटी टेररिस्ट पुलिस के हवाले होगा। मोदी के सुरक्षा घेरे में 4थी कमान नेपाली पुलिस की होगी। इनका काम उन इलाकों की निगरानी करना है जहां जहां से मोदी का काफिला गुजरेगा। स्वामी अग्निवेश ने पीएम नरेंद्र मोदी को पशुपतिनाथ मंदिर नहीं जाने की सलाह दी है। अग्निवेश ने इसके पीछे तर्क ये दिया है कि वहां जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। आप नेता अरविंद केजरीवाल आज जंतर मंतर पर रैली को संबोधित करेंगे। आज होने वाली रैली के लिए नारा दिया गया है चलो जंतर मंतर। पार्टी ने अपने बैनर में स्वराज भ्रष्टाचार मुक्त भारत और जल लोकपाल का मुद्दा जोर शोर से उठाया। पार्टी इस रैली के जरिए केंद्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। लिए नारा दिया गया है चलो जंतर मंतर। पार्टी ने अपने बैनर में स्वराज भ्रष्टाचार मुक्त भारत और जल लोकपाल का मुद्दा जोर शोर से उठाया।
पार्टी इस रैली के जरिए केंद्र में बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। पार्टी ये भी दर्शाने की कोशिश करेगी कि पार्टी के जनाधार में कोई कमी नहीं आई है और आप पार्टी आज भी पहले जैसी मजबूत है। इसके अलावा रैली के जरिए केजरीवाल दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग करेंगे। संघ की चिंतन बैठक आज आखिरी दिन है। आज की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे। सरकार और संघ के बीच किस तरह सेतु स्थापित किया जाए, आज इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले संघ ने इस बात को खारिज कर दिया कि संघ और बीजेपी के बीच किसी मुद्दों को लेकर अनबन चल रही है। संघ ने अपनी सफाई में कहा कि चिंतन शिविर में अभी तक हुई बैठक में केवल हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई। यूपीएससी परीक्षा से सीटेट हटाने पर सरकार आज कोई फैसला ले सकती है। यूपीएससी परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर सरकार को सौंपी गई अरविंद वर्मा कमेटी की रिपोर्ट पर आज सरकार चर्चा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिविल सेवा की परीक्षा से सीसैट नहीं हटाया जाएगा। हालांकि राहत के नाम पर सरकार असफल परीक्षार्थियों के लिए एक और मौका बढ़ा सकती है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग कर रहे छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों को भरोसा जताया कि सरकार जल्द इस पर कोई फैसला लेगी। इससे पहले यूपीएससी मुद्दे पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी नेता जेपी नड्डा और राम माधव के बीच बैठक हुई। बैठक में सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने के छात्रों की मांग को लेकर बातचीत हुई। बैठक के बाद यूपीएससी मुद्दे को देख रहे जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का जो भी फैसला होगा वो उचित समय पर बता दिया जाएगा। जबकि बैठक के बाद बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार और पार्टी दोनों ही इस मसले पर गंभीर हैं और जल्द ही इसके समाधान की उम्मीद है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यूपीएससी मुद्दे पर केंद्र सरकार टाल मटोल का रवैया अपना रही है। यूपीएससी मुद्दे पर राजनाथ सिंह के घर के बाहर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के घर का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका और हिरासत में भी ले लिया। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भीख मांगकर सीसैट खत्म करने की मांग की। यूपीएससी से सीसैट हटाने की मांग को लेकर बिहार के आरा में संगठन आईसा ने महानंदा एक्सप्रेस को रोककर घंटों बवाल मचाया। बिहार में बाढ़ का अलर्ट जारी हुआ है। नेपाल से आने वाला पानी बिहार में तबाही मचा सकता है। नेपाल सरकार ने बिहार सरकार को अलर्ट भेजते हुए कहा है कि बिहार के 9 जिलों पर कोसी नदी तबाही ला सकती है। रविवार को कभी भी कोसी के रास्ते 10 से 11 मीटर की ऊंचाई वाला पानी का रेला भारत पर आ सकता है। बिहार सरकार ने मदद के लिए सेना की मदद मांगी है जबकि वायुसेना और नौसेना को अलर्ट कर रखा गया है। नेपाल के अलर्ट के बाद बिहार सरकार ने सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, खगड़िया, मधुबनी, कटिहार और भागलपुर में भी प्रशासन को अलर्ट कर दिया। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और मधुबनी की 2 लाख की आबादी को सामान और पशुओं के साथ ऊंचे व सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कह दिया गया है। जिला प्रशासन को राहत शिविरों में शरण लेने वालों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ और एचडीआरएफ की 16 टीमें बिहार के लिए रवाना कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकालीन हालात से निपटने के लिए बिहार को पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया। सरकार के हाई अलर्ट जारी होने के साथ ही सुपौल के तटीय इलाकों में बसे लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। इन लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है जबकि एनडीआरएफ की 2 टीमें बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में तैनात कर दी गई। दरअसल नेपाल में लैंडस्लाइड के बाद नदी में गिरे पहाड़ के मलबे को हटाने के लिए उसे बम से उड़ाने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा किया गया तो नदी का पानी तेजी से बिहार में घुसेगा और वहां तबाही मचा सकता है, जिसको लेकर बिहार में तैयारियां तेज कर दी गई। वहीं नेपाल में हुए लैंडस्लाइड से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि लैंडस्लाइड में बहुत सारे लोगों के लापता होने की भी बात कही जा रही है। लैंडस्लाइड की वजह से सिंधुपाल चौक जिले में सुनकोसी नदी की धारा का प्रवाह रुक गया है और नदी एक झील में बदल गई है। पुलिस के मुताबिक नेपाल की राजधानी काठमांडू से 75 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में मंखा गांव में एक विशाल पहाड़ अचानक 2 बजे ढह गया, जिसकी वजह से सुनकोसी नदी में कीचड़ और पत्थरों का मलबा भर गया और 2 दर्जन घर दफन हो गए। नदी के किनारे बसे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा है। ओडिशा में 8 दिनों से लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। सड़कों पर हुए जलजमाव के बाद पानी अब स्कूलों और घरों में घुस गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। बांग्लादेश मूल की विवादित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने को भारत में रहने के लिए रेजिडेंशियल वीजा दे दिया गया। हाल ही में रेजिडेंट परमिट को खत्म कर तस्लीमा को 2 महीने का टूरिस्ट वीजा जारी किया गया है। तस्लीमा ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से इस संबंध में मुलाकात की थी। हरियाणा में INLD ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया।
घोषणा पत्र में 12वीं पास करने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AR दवे के एक बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जस्टिस दवे ने कहा है कि अगर वो तानाशाह होते तो पहली कक्षा से ही बच्चों को गीता पढ़वाते। महाभारत और भगवद गीता जैसे शास्त्रों को बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। दवे ने कहा कि भारत को अपनी प्राचीन परंपराओं की ओर लौटना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा फिर से शुरू करनी चाहिए। जस्टिस दवे के इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है तो बीजेपी ने इसका समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी ने दवे के बयान का विरोध किया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि पहली कक्षा के छात्र तो पढ़ना भी नहीं जानते, ऐसे बयान निराधार है। जज के तौर पर जस्टिस दवे के फैसलों पर पुनर्विचार होना चाहिए। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि हम जस्टिस दवे के सुझाव का समर्थन करते हैं। भगवद गीता हजारों साल से हमारी जिंदगी और संस्कृति का हिस्सा है। कोहली ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया हमारे धर्म और शास्त्रों के बारे में जानना चाहती है, उनके बयान को धर्म और सांप्रदायिकता की नजर से नहीं देखना चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस मुंबई पुलिस ने भेजा। बांद्रा में सत्यपाल को 22 साल पहले बंगला मिला था लेकिन इस्तीफे के बावजूद उन्होंने बंगला नहीं छोड़ा। सत्यपाल सिंह को नोटिस भेजकर बंगला खाली करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी गई है। साथ ही तय समय से ज्यादा बंगले में रहने के लिए 8,72,000 का जुर्माना चुकाने को भी कहा गया। सिंडिकेट बैंक के CMD SK Jain को 50 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। रिश्वत के 50 लाख रुपए भी जब्त किए गए। जैन के साथ 5 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। सिंडिकेट बैंक के CMD SK Jain पर लोन देने के लिए कुछ कंपनियों से रिश्वत लेने का आरोप था। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के खिलाफ CBI ने केस दर्ज कर लिया है। प्रेमचंद गुप्ता के साथ साथ उनके बेटे के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। अब दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त में दोबारा ही पैसे निकाले जा सकेंगे। इसके बाद हर बार पैसे निकालने पर 20 रुपए का चार्ज देना होगा। पहले ये सुविधा 5 बार तक मिलती थी। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। सहारनपुर दंगे की जांच कराने आज UP सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव सहारनपुर जाएंगे। शिवपाल के साथ एक 5 सदस्यीय जांच दल भी जाएगा जो सहारनपुर दंगों की रिपोर्ट CM अखिलेश को सौंपेगा। MP के उज्जैन में BHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाई। कांवड़ियों से मारपीट और उन पर पत्थर फेंकने की घटनाओं से भड़के हिंदूवादी संगठनों ने उज्जैन बंद का ऐलान किया था। बंद के दौरान BHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। BHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया जिसमें कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। UP के ललितपुर में एक छात्र को बेरहमी से पीटने और उसका वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। 3 दबंग एक छात्र को कमरे में ले गए जहां एक दबंग ने मोटे डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी जबकि दूसरा छात्र पिटाई का वीडियो बनाने लगा। तीनों ने मोहल्ले में खुद को दबंग साबित करने के लिए छात्र की पिटाई का वीडियो बनाकर उसे सोशल साइट पर डाल दिया। फिर छात्र के परिजनों ने वीडियो देखकर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुकदपुर इलाके में एक नाबालिग को अगवा कर 3 लोगों ने उसके साथ कार में गैंगरेप किया। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड की राजधानी रांची में पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवम नाम के लड़के ने अपने 3 दोस्तों के साथ बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया। UP के भदोही में गैंगरेप की शिकार लड़की ने कोर्ट में हंगामा किया। लड़की के मुताबिक पुलिस ने उस पर बयान बदलने का दबाव बनाया था। वहीं पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे ने अपने बेटे को बेकसूर बताया लेकिन पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन करेंगे। यूपी के मैनपुरी में घर में घुसकर एक महिला से रेप का मामला सामने आया। आरोपी महिला का रिश्तेदार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। DDO अस्पताल में आज हड़ताल का 3रा दिन है। पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ की पिटाई कर दी थी जिसको लेकर अस्पताल में हड़ताल है। हड़ताल का असर इमरजेंसी सेवा पर भी पड़ रहा है जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली मेट्रो जल्द ही ड्राइवर रहित मेट्रो चलाएगी। आजमाइश के तौर पर शुरुआती पहले साल में ड्राइवर रहित मेट्रो की ट्रेन ऑपरेटर की देखरेख में चलाया जाएगा। अगर इस दौरान सब कुछ ठीक रहा तो येलो और रेड दोनों लाइन्स पर ड्राइवर रहित मेट्रो चलने लगी। मेट्रो के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक फेज 3 में चलने वाली मेट्रो ट्रेनों में 40 अतिरिक्त सीटों का भी इंतजाम होगा। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिए 37 इंच का डिस्प्ले LCD लगाया जा रहा है जिससे मेट्रो स्टेशन सहित अन्य जानकारियां मुसाफिरों को मिलती रहेंगी। इसके अलावा मेट्रो ट्रेनों की रफ्तार में भी इजाफा होगा। मेट्रो की रफ्तार 32 किलोमीटर प्रति घंटे से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी।
बिजली की बचत के लिए इन ट्रेनों में कम बिजली की खपत वाले ईडी और एसी लगाए जा रहे हैं। ट्रेनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि बिजली की करीब 10% बचत की जा सके। तिरुपति बालाजी मंदिर ने श्रद्धालुओं को चढ़ाया 1800 किलो सोना, भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दिया है। तिरुपति मंदिर का अलग अलग बैंकों में लगभग 5000 किलो सोना पहले से जमा है। मंदिर के मुताबिक जमा कराए सोने पर हर साल 12 किलो सोना ब्याज के तौर पर मिलेगा। एसबीआई के मुताबिक यह मात्रा के लिहाज से पूरे देश के बैंक में जमा कराया सबसे ज्यादा सोना है। और अब वैष्णो देवी दर्शन होगा आसान, यात्रियों के लिए एक खुशी की खबर। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से 6 नई ट्रेनों का तोहफा देशवासियों को दिया। दिल्ली के एटीएम में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। एटीएम के गेट में करंट लगने की खबर है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। बेकाबू वैन ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, एक महिला की मौत हो गई। इस पूरी घटना में एक महिला की मौत हुई जबकि 4 लोग जख्मी हुए। जोरदार धमाके से दुकान जमींदोज हो गई, एक बैटरी में धमाके की वजह से यह हादसा हुआ। एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 लोग जख्मी हैं। देखते ही देखते जमींदोज हो गई ये पूरी इमारत, धमाका अचानक हुआ। धमाके के वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 लोग जख्मी हैं। देखते ही देखते जमींदोज हो गई ये पूरी इमारत, धमाका अचानक हुआ। धमाके के वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 पुलिस वाले जख्मी हो गए। सिलेंडर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में रखा हुआ था जहां पुलिसकर्मी तलाश के लिए गए थे। मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली में अरुण जेटली के कार्यक्रम में हंगामा हुआ जहां लोगों ने बिजली पानी की समस्या पर हंगामा किया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे अरुण जेटली के सामने द्वारका आरडब्ल्यूए के लोगों ने जमकर हंगामा किया। वित्त मंत्री के कार्यक्रम में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। ये लोग हाथों में तख्तियां लेकर पानी की कमी दूर करने की मांग कर रहे थे। नवी मुंबई के बाशी पुलिस ने चोरी के आरोप में असलम और सोनाली नाम के 2 चोरों को गिरफ्तार किया। इनके एक और साथी को भी पुलिस ने पकड़ा है जो चोरी के वक्त टैक्सी लेकर इनके साथ रहता था। पुलिस ने इनके पास से 19 लाख रुपए बरामद किए हैं। हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। कुरुक्षेत्र में छठी पातशाही गुरुद्वारे की सेवा संभालने को लेकर एसजीपीसी और एचएसजीपीसी के समर्थक आपस में भिड़ गए जिसके बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। दोनों पक्षों का झगड़ा सुलझाने आई पुलिस ने लोगों को समझाने की काफी कोशिश की। यूपी के फैजाबाद में एक बैंक मैनेजर के घर में डकैती का मामला सामने आया। बदमाशों ने मैनेजर और उसकी पत्नी को बंधक बनाकर घर को लूट लिया। डकैतों ने घर में रखा कैश और गहने भी लूट लिए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में 2 बाइक सवारों ने एक बिल्डर से करीब 9 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। यूपी के बिजनौर में उत्तम चीनी मिल के एक जीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी मिल पर किसानों के 71 करोड़ रुपए बकाया है। बार बार नोटिस देने के बावजूद मिल ने भुगतान नहीं किया। लखनऊ में एक पान मसाले के गोदाम में इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ा। इनकम टैक्स की छापेमारी में लाखों का माल बरामद किया गया है। कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक सराफा कारोबारी को लूट लिया। बैग में करीब 3 लाख के गहने रखे थे। कानपुर में एक ही शख्स ने अपनी पत्नी को गंगा में फेंक दिया। नदी में डूबने से पत्नी की मौत हो गई। लोगों ने आरोपी रवि को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी रवि मुताबिक उसकी पत्नी सोशल साइट्स चैटिंग करती थी जिससे नाराज होकर उसने ऐसा हरकत की। सोनिया और राहुल को 2 साल के लिए छुट्टी लेने की बात कहने वाले कांग्रेस नेता जगमीत सिंह बराड़ अब अपने बयान से पलट गए। अब बराड़ कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वो सोनिया राहुल को छुट्टी पर जाने के लिए कहने वाले कौन होते हैं। कांग्रेस कार्यसमिति पूर्व सदस्य और पंजाब से पूर्व सांसद बराड़ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद सोनिया राहुल को आराम करना चाहिए।
बरार ने कहा था कि राहुल सोनिया को दो साल की छुट्टी के बाद फिर से पार्टी का कामकाज संभालना चाहिए। अब बराड़ सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने सोनिया राहुल को छुट्टी पर जाने के लिए नहीं बल्कि देश का भ्रमण करने को कहा था। बराड़ ने दावा किया कि सोनिया राहुल अगर पद छोड़कर देश भर में घूमे तो एक साल में पार्टी मजबूत हो जाएगी। हालांकि बराड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस की हार के लिए सलाहकार और चुनाव वाली टीम जिम्मेदार है। कानपुर की ज्योति मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक केस को दबाने के लिए पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। पीयूष के पिता ने मामले को दबाने के लिए पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाया था। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि मर्डर केस का सारा आरोप ड्राइवर और उसके साथियों पर मढ़ने की कोशिश हो रही थी। कानपुर जोन के आईजी आशुतोष पांडे ने ज्योति मर्डर केस में आरोपी पति पीयूष का माथा चूमने वाले सीओ राकेश नायर को सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी। साथ ही पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड मनीषा के मोबाइल की डिटेल भी मैसेज रिकवर हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 700 पेज के प्रिंट लिए गए हैं। उधर पीयूष की गर्लफ्रेंड और मामले में आरोपी मनीषा ने प्रेगनेंसी टेस्ट कराने से साफ मना कर दिया। दरअसल एक खबर आई थी कि आरोपी मनीषा गर्भवती है और इसी वजह से पीयूष उससे शादी करना वाला। कानपुर की ज्योति मर्डर मामले में आरोपियों के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। आरोपियों के परिवार के मुताबिक ज्योति का पति पीयूष बड़े घर से है और पुलिस उसको बचाने की कोशिश करेगी और पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। सीओ राकेश नायर के पीयूष का माथा चूमने के बाद परिवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी चिंता जाहिर की। देश में ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में दिल्ली सबसे आगे है। एक साल पहले के मुकाबले में दिल्ली में ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान 67% ज्यादा रहा। डीजल की बिक्री पर तेल कंपनियों को होने वाला घाटा कम होकर 1.33 रुपए प्रति लीटर रह गया है। घाटा कम होने की वजह से नन को नियंत्रण मुक्त करने की संभावना और प्रबल हो गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आज आखिरी दिन है। इससे पहले 10वें दिन भारत ने महिला स्क्वाश में गोल्ड जीत इतिहास रचा। भारत अब 14 गोल्ड, 28 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 5वें नंबर पर है। स्क्वाश के महिला डबल्स में भारत की दीपिका और जोशना ने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल के लिहाज से सबसे बड़ी निराशा विजेंदर के फाइनल में हारने पर हुई। बॉक्सिंग के 69 किलो वर्ग में भारत को तब एक और गोल्ड से हाथ धोना पड़ा जब मंजीत जांगड़ा को फाइनल में इंग्लैंड के स्कॉट से हार मिली। वहीं महिलाओं के लाइटवेट बॉक्सिंग में भारत की सरिता देवी फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की शैली वॉट से हार गई। वहीं भारत के देवेंद्रो भी अपना फाइनल मुकाबला हार गए। उन्हें भी सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। महिलाओं के लाइटवेट पावर लिफ्टिंग में भारत की सकीना खातून ने कांस्य पदक जीता। महिला बॉक्सिंग के 48 से 51 किलोग्राम वर्ग में भारत की पिंकी रानी ने कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के ब्रॉन्ज मेडल मैच में पीवी सिंधु ने मलेशिया के खिलाड़ी को हराकर यह मेडल अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स के हॉकी सेमीफाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया। भारतीय टीम को गोल्ड मेडल के लिए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना होगा। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में भारत के कश्यप ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाड़ी को हराया और फाइनल में प्रवेश कर लिया। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में अब कश्यप का मुकाबला सिंगापुर के डेरिक से आज शाम 4:30 बजे होगा। वहीं महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाड़ी को हरा दिया। फाइनल में अश्विनी और ज्वाला का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। अब खबर क्रिकेट की। एंडरसन जडेजा विवाद में एंडरसन को बरी किए जाने के फैसले पर बीसीसीआई ने दुख जताया है। बीसीसीआई ने जडेजा एंडरसन की घटना से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं होने पर सवाल उठाए। भारत ए टीम ने जीती 4 देशों की वनडे सीरीज। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ए को हराकर 4 विकेट से जीता खिताब। हाल ही में केबीसी की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन नाराज हो गए। दरअसल सेट पर वंदे मातरम गीत की धुन पर रिहर्सल चल रही थी लेकिन राष्ट्रगीत की गरिमा खंडित होने पर बिग बी नाराज हो गए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। अजय देवगन और करीना कपूर खान अपनी अपकमिंग मूवी सिंघम रिटर्न्स के प्रमोशन के लिए कपिल के शो कॉमेडी नाइट विद कपिल में पहुंचे। सिर्फ पर इन दोनों के साथ शो के स्टार कास्ट ने जमकर मस्ती की और फिल्म प्रमोशन को यादगार बनाया। शो के दौरान कपिल की दादी ने अजय को शगुन की पप्पी देने की जिद की। बॉलीवुड की वेटरन अभिनेत्री श्रीदेवी ने अनुष्का राजन की आर्ट एग्जीबिशन में हिस्सा लिया। इन दोनों के साथ बी टाउन के कई दूसरे सेलेब्स भी एग्जीबिशन में नजर आए। और चलिए इसी के साथ दुनिया की सबसे तेज बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन चलते चलते उन खबरों पर एक नजर जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रहने वाली है।